वो कहते हैं ना, जिस तरह आपके पेरेंट्स आपको जानते हैं उस तरह और कोई नहीं जान पाएगा। पर फिर और भी तो रिश्ते होते हैं जिंदगी में। पहली बार उससे मिली तो यही ख्याल आया, क्या हम एक दूसरे को जान पाएंगे, एक दूसरे की पसंद समझ पाएंगे। मुझे आज चाट खाने का मन कर रहा है, तुम्हें पसंद है वो दही बटाटा पूरी? पूरी लाइफ में अपने पेरेंट्स के साथ ही रही हूँ, जब से भैया लंदन गए हैं पापा की दवाइयों का ध्यान मैं ही रखती हूँ। क्या हम एक दूसरे की छोटी खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ सकेंगे? ये नए रिश्ते सारे पुराने रिश्तों की जगह? अरे ले लेंगे यार 5 मिनट में, अरे ऊपर इतने सारे काम बाकी है और तुम अभी भी इन पुराने चीजों में अटकी हो, आ जाओ। वो कहते हैं ना कि एक नया आज बनाने के लिए अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़ना ही पड़ता है। गलत कहते हैं, से मम्मी पापा का ख्याल तुम रखना और तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा, ओके? सर, आई एम अर्पित बाय द वे। जी आप ऑलरेडी बता चुके हैं। एक्चुअली बाहर भीड़ में आवाज इतनी टाइट है। आई नो सब बहुत एक्साइटेड हैं। या आई एम श्रिया। ओके, आई हैव डन माय एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूएस। सॉरी, मुझे आपकी फील्ड के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। स्पेसक्राफ्ट इंजन्स डिजाइन करना। तो आप मून पर भी गए होंगे? जी नहीं, अभी तक तो नहीं गया। What do you do? I have a degree in home science. I want to be a chef. मुझे खाने का और खिलाने का बहुत शौक है। एक बार तो मैंने 3 अलग-अलग स्टार्टर्स बना लिए और खुद खा लिए। और आपने कभी कुछ ट्राई किया? एक बार काली दाल बनाने की कोशिश की थी, दाल को छोड़ के बाकी सब काला हो गया। That's a nice drawing. Meri birthday gift. That's the Orion's belt, huh? Wo pata nahi, par ye main hu, ye Bubble hai aur ye Gullu. Meri best friends. To kya aap Chand ko kareeb se dekhna chahenge? Nahi. Dekhna nahi. Wahan par काली दाल बनाना चाहूंगा। सॉरी, मैं ऑफिस से जल्दी निकला था पर बारिश में इतना ट्रैफिक, ये अक्टूबर में कौन सी बारिश होती है? सुशांत, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है, ऊपर से जैसे तैसे चांद अब दिखाई दिया है, फ्रिज में चॉकलेट आइसक्रीम पड़ी है, तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है कंट्रोल करना। डोंट खाना है। अरे क्या कर रहे हो यार?
ये क्या, तुमने लंच भी नहीं खाया, सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया था, क्यों नहीं खाया? वो एक्चुअली तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? जरूरत नहीं थी ना इतनी लंबी उम्र का क्या फायदा जब कोई इंसान किसी को परेशानी ना कर सके। अच्छा चलो आइसक्रीम खानी है कि नहीं? यार तुम ये सब कैसे कर लेते हो? मैं तो आज ऑफिस में फेंटी हो गया था।